पर है और चाहते हो कि घर बनवाने के लिए आपको कम खर्च आए तो ये वीडियो आपके बहुत ज्यादा काम में आने वाला है और खास करके उन लोगों के ज्यादा काम में आएगा जो लोग पहली बार अपना मकान बना रहे हैं और उनका बजट बहुत ही टाइट है। और हाँ, वीडियो में बताए हुए सभी पॉइंट को आपको इस्तेमाल करने की आवश्यकता नहीं है। आपके साइट के कंडीशन अनुसार आपको कौन सी चीजें सूट हो रही है उस हिसाब से आप इन चीजों का इस्तेमाल कर सकते हो। अगर इस वीडियो में बताए हुए 3 से 4 पॉइंट भी आपके काम में आ जाते हैं तो आप अच्छा खासा पैसा घर बनवाते समय बचा सकते हो। तो इसीलिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखें और चैनल पे अगर आप लोग नए आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। तो यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट आ जाता है जो कि है सेप्टिक टैंक के रिलेटेड। जैसे कि आपको पता होगा सेप्टिक टैंक के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, जैसे कि RCC सेप्टिक टैंक, प्लास्टिक सेप्टिक टैंक और तो और सबसे ज्यादा जिस सेप्टिक टैंक का इस्तेमाल किया जाता है जो कि है ब्रिक वर्क वाली सेप्टिक टैंक। अब ये जो सेप्टिक टैंक ईंटों से बनाई जाती है जिसके लिए हमें अच्छा खासा पैसा लगता है। इसका कारण ये होता है एक्सकेवेशन होने के बाद हमें एक सॉलिड बेस बनाना पड़ता है, यानी कि हमें सोलिंग और PCC करनी पड़ती है, उसके बाद जाकर ब्रिक वर्क स्टार्ट हो जाता है, उसके बाद प्लास्टरिंग वर्क और आखिर में इस सेप्टिक टैंक को कवर करने के लिए हमें एक छोटा सा स्लैब डालना पड़ता है, यानी कि हमें इसके लिए कवर बनाने पड़ते हैं। ओवरऑल अगर हम देखें तो इस सेप्टिक टैंक के लिए हमें मटेरियल का कॉस्ट, लेबर का कॉस्ट अच्छा खासा लगता है और उसके बाद में इस सेप्टिक टैंक को बनाने के लिए टाइम पीरियड भी थोड़ा सा चाहिए होता है। तो इस चीज का क्या सोल्यूशन है? तो देखिए दोस्तों, अगर आपको सेप्टिक टैंक बनवाने का कॉस्ट कम करवाना है तो आप डेफिनेटली अपने घर के लिए इस तरह की सिलेंडर शेप वाली प्रीकास्ट RCC सेप्टिक टैंक की तरफ जा सकते हो। सबसे पहली चीज, ईंटों वाली जो सेप्टिक टैंक हम बनाते हैं उसके लेबर कॉस्ट में ही ये पूरी RCC सेप्टिक टैंक आपको मिल जाएगी, यानी कि इतना इसका कॉस्ट कम होता है। दूसरा फायदा इस सेप्टिक टैंक का ये होता है कि इसके लिए आपको ईंटों की जो सेप्टिक टैंक होती है उसकी तरह बेस बनाने की आवश्यकता नहीं है, यानी कि आपका सोलिंग और PCC का खर्च बच जाता है। उसके बाद में इस सेप्टिक टैंक को आपको ईंटों की सेप्टिक टैंक की तरह ऊपर से किसी प्रकार के स्लैब की आवश्यकता नहीं होती है, तो ये दोनों खर्चे भी आराम के साथ बच जाते हैं। तीसरा फायदा इस सेप्टिक टैंक का होता है जो कि है टाइम। जैसे कि आपने देखा होगा कि ईंटों की सेप्टिक टैंक बनाने के लिए हमें अच्छा खासा टाइम लगता है, वैसा इस RCC सेप्टिक टैंक के साथ नहीं होता है। आप जब इसे साइट पर लाते हो और अपने गड्ढे के अंदर लेवल लेने के बाद फिक्स कर देते हैं और उसके बाद उसे इनलेट और आउटलेट कनेक्ट कर देते हैं तो तुरंत ही आप उसका इस्तेमाल करना शुरू कर सकते हो। और अगर आपके घर के अंदर 4 से लेकर 6 लोग हैं तो आप आराम के साथ इस सेप्टिक टैंक का इस्तेमाल कर सकते हो, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अब अगली चीज जिसमें कि आप अच्छा खासा पैसा बचा सकते हो जो कि है ग्रेनाइट। जी हाँ, आपने सही सुना है। अब मैं आपसे ये नहीं कहूंगा कि आप अपने किचन प्लेटफॉर्म के लिए ग्रेनाइट का इस्तेमाल मत कीजिए, क्योंकि ग्रेनाइट एक अच्छा ऑप्शन आ जाता है किचन प्लेटफॉर्म के लिए, पर जहां तक बात आती है आपके घर के डोर फ्रेम, विंडो फ्रेम और तो और जो स्टेयरकेस होती है वहां पर भी ग्रेनाइट का अच्छा खासा इस्तेमाल किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर हम मान के चले आपका घर 1000 स्क्वायर फीट है तो आपको ग्रेनाइट लगवाने का कॉस्ट आता है लगभग 70 से लेकर 80 हजार रुपए तक। तो अगर आप अपने डोर फ्रेम के लिए लकड़ी की या फिर सीमेंट की डोर फ्रेम इस्तेमाल करेंगे तो आपको खर्च कम आ सकता है, हालांकि दिखने में ग्रेनाइट की डोर फ्रेम बहुत ही अच्छी दिखाई देती है। अब अगला पॉइंट है एलिवेशन। जब भी हम घर बनवाते हैं तो हम चाहते हैं कि हमारा घर दिखने में खूबसूरत दिखे और बाकी घरों से थोड़ा सा अलग दिखाई दे, जिसके लिए हम क्या करते हैं, बहुत सारे डिजाइन का इस्तेमाल करते हैं, बहुत सारे बॉक्सेस बना लेते हैं, यानी कि हेवी एलिवेशन कर लेते हैं। अब इस हेवी एलिवेशन का नुकसान यह होता है कि हमें घर बनवाने के लिए ज्यादा खर्च आ जाता है, जिसमें कि बहुत सारे ईंटों के बॉक्सेस आते हैं, कुछ RCC वर्क का इस्तेमाल किया जाता है तो कुछ MS का भी इस्तेमाल किया जाता है। अब इसके उल्टा अगर आप अपने घर के लिए सिंपल और प्लेन डिजाइन का चुनाव करते हो तो इसका फायदा यह होगा कि आपका घर दिखने में तो अच्छा दिखेगा पर एलिवेशन पे जो एक्स्ट्रा खर्च हो जाता है वो भी कम लगता है। अगला पॉइंट है गैलरी। जैसा कि आपने बहुत सारे घरों में देखा होगा इस तरह की 3 फीट वाली गैलरी का इस्तेमाल किया जाता है। कुछ जगह पर सिर्फ और सिर्फ एलिवेशन के लिए इस गैलरी का इस्तेमाल किया जाता है, पर आगे चल के आप इस गैलरी का इस्तेमाल करते हो सिर्फ और सिर्फ अपने कपड़े सुखाने के लिए और तो और आपके घर के अंदर जो चीजें काम की नहीं है उन्हें रखने के लिए। देखिए दोस्तों, गैलरी कम से कम इतनी होनी चाहिए जिसमें कि आप 2 कुर्सियों पर रख के बाहरी मौसम का मजा ले सको। अभी छोटी गैलरी की वजह से आपका खर्च तो बढ़ जाता है, तो अगर जरूरी नहीं है तो आप इन गैलरी को अवॉइड कर सकते हो। अगला पॉइंट है जीना। देखिए दोस्तों, जीना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हमारे घर के अंदर, जिसकी मदद से हम ऊपर जाते हैं या फिर नीचे आते हैं। ऊपरी मंजिल भले हम बनाए या फिर ना बनाए पर जीने को हम जरूर बनवाते हैं, और ये जो जीना होता है इसमें आपका कम से कम 1.5 रूम का खर्च जो है वो चला जाता है। अगर आप घर बनाने के बारे में सोच रहे हैं और बहुत ही टाइट हो अपने बजट को लेकर और आप अपने घर के लिए ऊपरी मंजिल नहीं बनवाने वाले हो, इसके बजाय आप बाहर के तरफ से लोहे का जीना बनवा सकते हो जिसकी
मदद से आप ऊपर जा सको और अपना काम कर सको। देखिए दोस्तों, ये पॉइंट सिर्फ और सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जिनका घर बनवाने का बजट बहुत ही कम है। अगर आपका डिसेंट बजट है तो डेफिनेटली आप अपने घर के लिए स्टेयरकेस को बनवा सकते हो। देखिए दोस्तों, अगला पॉइंट आ जाता है जो कि है प्लान। प्लान एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है आपके घर का बजट डिसाइड करने में। अगर आप सिंपल और बेसिक प्लान लेंगे तो डेफिनेटली आपको घर बनवाने का खर्च कम आएगा, पर उसी के उल्टा अगर आप बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड प्लान लेंगे तो उसकी वजह से आपके घर के अंदर की दीवारों की संख्या बढ़ जाएगी और तो और आपका बजट भी बढ़ जाएगा। तो इसीलिए जब भी आप अपने घर के लिए प्लान लें तो सिंपल प्लान का चुनाव कीजिए। याद रखिए, हर एक जगह का सटीक तरीके से इस्तेमाल आपके प्लान में होना चाहिए। कोई भी जगह आपकी जाया नहीं जानी चाहिए, क्योंकि जितनी ज्यादा जगह आप वेस्ट करेंगे उतना ही ज्यादा आपका बजट के ऊपर इफेक्ट आता जाएगा। अगला पॉइंट है इलेक्ट्रिकल वर्क। जब भी आप अपने घर का इलेक्ट्रिकल वर्क स्टार्ट करने वाले होते हो तो इलेक्ट्रिकल वर्क करने के लिए आपके सामने दो पर्याय होते हैं। एक होता है केसिंग कीपिंग वायरिंग, यानी कि जिसे पट्टी फिटिंग कहा जाता है, या फिर कुछ जगह पर ओपन वायरिंग भी कहा जाता है। और दूसरा होता है कंसील्ड वायरिंग, जिसे कि हाल फिलहाल में बहुत सारे घरों में इस्तेमाल किया जाने लगा है। अब ये जो कंसील्ड वायरिंग होती है, इसे अगर आप अपने घर के लिए बनवाएंगे तो डेफिनेटली आपको खर्च थोड़ा सा ज्यादा आएगा। अगर आप खर्च थोड़ा सा कम करना चाहते हैं तो आप केसिंग कीपिंग वायरिंग की तरफ जा सकते हैं, जिसमें आपको इलेक्ट्रिकल वर्क के लिए थोड़ा सा कम खर्च आता है। अगला पॉइंट है डोर फ्रेम। डोर फ्रेम के लिए आपके सामने चार ऑप्शन होते हैं, सीमेंट की डोर फ्रेम, लोहे की डोर फ्रेम, ग्रेनाइट की डोर फ्रेम और लकड़ी की डोर फ्रेम। जहां पर बहुत ही कम बजट होता है वहां पर लोहे की डोर फ्रेम या फिर सीमेंट की डोर फ्रेम का इस्तेमाल किया जाता है। इन दोनों में अगर हम बात करें तो सीमेंट की डोर फ्रेम अगर अच्छे मटेरियल से बनी है तो डेफिनेटली आप उसके तरफ जा सकते हो। और ये जो लोहे की डोर फ्रेम होती है, उनका गलती से भी अपने टॉयलेट बाथरूम के डोर फ्रेम के लिए इस्तेमाल मत कीजिए। लोहे की डोर फ्रेम पानी के संपर्क में आने की वजह से जल्दी खराब हो सकती है, और अगर आप थोड़ा सा और पैसा खर्च करेंगे तो आप अपने घर के लिए लकड़ी की डोर फ्रेम लगवा सकते हैं। अब हर बार ये जरूरी नहीं कि आप अपने घर के लिए सागवान की डोर फ्रेम लगवाएं, अन्य लकड़ियों का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपने डोर फ्रेम के लिए, क्योंकि अगर आप सागवान लकड़ी के अलावा दूसरी लकड़ी का इस्तेमाल करेंगे तो डेफिनेटली आपका डोर फ्रेम का कॉस्ट भी कम आ सकता है। देखिए दोस्तों, कम बजट के चलते अगर आप सीमेंट डोर फ्रेम का इस्तेमाल करने भी वाले हैं तो आपके जो एक्सटर्नल डोर होंगे वहां पर मैं आपको रेकमेंड नहीं करूंगा कि आप सीमेंट डोर फ्रेम को लगवाएं। आप अपने घर के इंटरनल डोर फ्रेम के लिए सीमेंट डोर फ्रेम का इस्तेमाल कर सकते हैं, पर जहां तक बात आती है बाहरी डोर फ्रेम की तो वहां पर आप जो है लकड़ी की डोर फ्रेम का इस्तेमाल कर सकते हो। दोस्तों, जैसे कि हमने इस वीडियो में कुछ कॉस्ट कटिंग के ऑप्शन देखे जिसकी मदद से आप अपने घर बनाने की लागत कम कर सकते हो, तो घर बनाने की लागत कम करने के आपके भी कुछ आइडिया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। ये वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में आप कमेंट कर सकते हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दीजिए, चैनल पे अगर आपको नया आया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, और ज्यादा ही अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और इस तीनों वीडियो में से कोई एक वीडियो आपके जरूर काम में आ सकता है।